मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? पहले तो मुझे वो चाल सास एरेक्निड मेगाट्रॉन के सामने नीचा दिखाती रही, और अब शॉक वेव और उस बद दिमाग बीस्ट के साथ काम करना पड़ रहा है। इस बात का शुक्र मनाओ स्टारस्क्रीम कि उनमें से एक कम से कम बर्फ में जमी हुई है और वॉरशिप के वॉल्ट में बंद है। मेरा दिल तो करता है कि मैं शॉक वेव और उसके उस बीस्ट को वहीं पर पहुंचा दूं जहां वो एरेक्निड पड़ी है। उसका प्रोजेक्ट प्रेडिकॉन जोर शोर से इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं लाई जाने वाली प्रेडिकॉन की हड्डियों का ध्यान रख रहा हूँ। तुम क्यों दर्द से कर्रा रहे हो? इन बातों से तो तकलीफ मुझे हो रही है। स्टारस्क्रीम, मेरी मदद करो। अरे 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 अरे, ये तुम बेचारे साइलस पर क्या जुल्म ढा रहे हो नाकाव? इसे जिस चीज की जरूरत थी वही इसे मिल रही है। ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें इंसानों से कोई लगाव नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें अपने पुराने साथी पर ये दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स करते हुए तकलीफ नहीं होती? बिल्कुल नहीं। वैसे भी साइलस एक बार ब्रेकडाउन पर जुल्म कर चुका है, उसे जानकर खुशी होगी कि मैं उसका बदला ले रहा हूँ। ये अभी क्या हुआ? तुम्हें याद है वो सिंथेटिक एनर्जॉन जो मुझे ऑटोबॉट से मिला था? वेल, मैं उस फॉर्मूला को दोबारा बनाकर ये जांच कर रहा हूँ कि क्या वो दूसरा एनर्जी सोर्स बना सकता है। हालांकि उसमें अब भी काफी कमियां हैं और उसमें कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे कि स्टारस्क्रीम, तुमने दोबारा टीकॉक लगा लिया ना, क्योंकि मैं उसे दोबारा तुम में से चीर कर नॉकआउट में डाल देना चाहता हूँ। जरूरत से ज्यादा गुस्सा। कितना गुस्सा और कितनी ताकत! मेगाट्रॉन को एक बीस जैसी ताकत वाला मजबूत सिपाही चाहिए, और अब हम उन्हें वो देंगे जो उन्हें चाहिए था। बताओ, प्रेडिकॉन कहां तक पहुंचे? क्या एक भी बाहर आने के लिए तैयार हुआ? मास्टर, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैंने एक कमाल की खोज की है। दरअसल बात यह है। अभी नहीं। हाँ, तुम बोलो शॉकवेव, तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुमने मास्टर को हमारी नई नवेली इजाद के बारे में बताया? वो किसी और काम में उलझे हुए थे। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम तड़प तड़प के दम तोड़ दोगे। तुमने इसमें कितना सिंथेटिक एनर्जॉन भरा है? शायद दो और डोज, या फिर शायद तीन। लेकिन साइलस का गुस्सेल स्वभाव ही परेशानी की वजह नहीं है। जब भी मैं इसमें सिंथेटिक एनर्जॉन डालता हूँ तो ये दरिंदा जो कभी ब्रेकडाउन हुआ करता था वो अपने पहले के बचे हुए एनर्जॉन को जलाकर खर्च कर देता है। ऐसा नहीं चलेगा। मेगाट्रॉन के पास पहले से ही प्रेडिकॉन जैसा बीस्ट है जो अपनी मनमानी करता है। अगर ये भी हमारे काबू में नहीं रहेगा तो बताओ क्या फायदा? रुको, मैं तो बेवकूफ हूँ। डार्क एनर्जॉन, तुम बेवकूफ से बढ़कर हो स्टारस्क्रीम। मेरे ख्याल से तुम्हारा फ्यूज पूरी तरह उड़ चुका है। ओ, घबराओ मत मेरे डॉक्टर दोस्त,
डार्क एनर्जॉन की मदद से वो खुद इस ताकतवर सिपाही को काबू कर पाएंगे। ठीक है, ये सच है कि जिस किसी में डार्क एनर्जॉन होगा तो मेगाट्रॉन उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकेंगे। एक तरह से ये उनकी कठपुतली बन जाएगा। लेकिन क्या तुम भूल गए कि इसी डार्क एनर्जॉन ने हमारी वॉरशिप का क्या हाल किया था? वो इसलिए क्योंकि हमने उसे भारी मात्रा में डाला था। मैं तो एक दो बूंद की बात कर रहा हूँ, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए मास्टर के काबू में रहे। लेकिन फिर भी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमें शॉक वेव की इजाजत लेनी चाहिए। वैसे भी मुझे उसे रिपोर्ट करना ही होगा। नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं। ताकतवर सिपाही मिलिट्री ऑपरेशंस में आते हैं, यानी तुम नॉकआउट सिर्फ मुझे रिपोर्ट करोगे। आई बात समझ में? बस एक मिनट रुको। इंसानों पर किसी भी हाल में भरोसा नहीं कर सकते। ये जिंदा है? ये क्या? अब ये क्या हुआ? क्या हुआ इसे? मैं यही बताना चाह रहा था, ये सिंथेटिक एनर्जॉन का साइड इफेक्ट है। उसने बचा हुआ एनर्जॉन जलाकर खर्च कर दिया। फिर तो कुछ देर के लिए इसमें कुछ भी डालना बंद कर देते हैं, शायद इसे साइल शांत हो जाए और उसे संभालना आसान हो जाए। एनर्जॉन चाहिए। क्या तुम्हें लगता है वो हम में से एनर्जॉन चूसने की कोशिश कर रहा है? ऐसा ही लगता है। तुम इससे निपट लो, मुझे कुछ काम है। क्या? मैं भी आ रहा हूं। हमें जल्दी से अलार्म ऑन करना चाहिए। सवाल ही नहीं उठता। मेगाट्रॉन हमें ही इन सब का जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन ये तो सच है। तुम ज्यादा जिम्मेदार हो। खैर, मास्टर को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, हमें खुद ही इस मामले को सुलझाना होगा। मतलब? जरा सोचो नॉकआउट, इस शिप में काबिल वेहिकॉन ट्रूपर्स भरे हुए हैं जो लड़ने में माहिर हैं। जैसे ही साइलस हमला करेगा, वो उसे खत्म कर देंगे। कुछ समझ आया? एक बार साइलस की बॉडी मिल जाए, फिर उसे फौरन नष्ट कर देंगे। उसका नामो निशान तक नहीं छोड़ेंगे। उसका एक भी पुर्जा बचना नहीं चाहिए। उसकी इन्फेक्टेड बॉडी। चल बसा, एनर्जॉन का एक कतरा भी नहीं बचा। मुझे एक बात बताओ स्टारस्क्रीम, थोड़ी देर पहले चहकते हुए बोल रहे थे कि मुसीबत टल जाएगी, अब क्या कहोगे? हाँ, मेरे साथ बदतमीजी मत करो नॉकआउट। जो कुछ हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो मेरी भी नहीं है। अच्छा ऐसा? तुम ही वो मास्टरमाइंड हो जो सिंथेटिक एनर्जॉन के साथ खेल रहा था। और तुम ही वो अकल के दुश्मन हो जिसने ऐसा करने में मेरा पूरा साथ दिया। एनर्जॉन, तुमने तो कहा था ये चल बसा है। डार्क एनर्जॉन मुर्दों को जिंदा कर देता है।
सिर को निशाना बनाओ। क्या, तुम्हें कैसे पता? मैं काफी इंसानी हॉरर फिल्में देख चुका हूँ, वो भी थिएटर्स में। हटो, सिर को छोड़ो, सीने पर वार करते हैं। डार्क एनर्जॉन इसके स्पार्क तक चला गया था। इंसानी हॉरर फिल्मों में कुछ भी दिखाते हैं। एनर्जॉन, अगर एक बाइट से म्यूटेशन ट्रांसफर हो सकता है तो इसका मतलब पूरा क्रू खतरे में है। तुम्हारा मतलब साइलस और टेरर कॉन्स बना सकता है? ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस शिप को जल्द ही खंडहर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्या अब मैं अलार्म ऑन करूं? ए सुनो, क्या तुमने यहाँ पर कुछ अजीब होता देखा? नॉकआउट, हमने जितना सोचा था हालात उससे भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, इतने सालों तक ऑटोबॉट से लड़ने, मार खाने, वार सहने, जान दांव पर लगाने के बाद हमारा अंत इस तरह होगा? वो भी चूस कर फ्लूइड खत्म करने से। अगर ये सच में अंत है, अगर हम टेररकॉन के हाथों खत्म होंगे, तो मैं बता दूं कि तुम्हारे साथ मेगाट्रॉन की सेवा करना गर्व की बात थी। तुम ब्रेकडाउन जैसे नहीं हो, पर फिर भी कहना चाहूंगा तुम्हारी चमक मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है तो चलो। हाँ, अब चलना चाहिए। तुम दोनों मुझे बताना चाहोगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा मास्टर। सब ठीक है, एकदम शांति है, बिल्कुल मायूसी छाई हुई है। अच्छा, फिर मेरे अंदर का डार्क एनर्जॉन बेचैन क्यों हो रहा है? रुको रुको, मैं जवाब देता हूँ। ये नॉकआउट की गलती है। हाँ बिल्कुल, क्या कहा? इसने साइलस में डार्क और सिंथेटिक एनर्जॉन का कॉकटेल डाल दिया है, जिससे वो ऐसा म्यूटेटेड मॉन्स्टर बन गया है जो आपके पूरे क्रू को एनर्जॉन चूसने वाला टेरर कौन बना रहा है। समझ नहीं आता कि तुम्हें पागलपन के दौरे क्यों पड़ते हैं, लेकिन आइंदा अगर तुम मेरे डार्क एनर्जॉन के आसपास भी भटके और उस ताकत को खुद में डालने की कोशिश की मेरे हुजूर, तो तुम्हें याद दिला दूं, डिसेप्टिकॉन के इतिहास में किसी को इतने मौके नहीं दिए गए और तुम्हारा कोटा पूरा हो गया है। एनर्जॉन। क्या है, तुम क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ। यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैं उस दरिंदे को अपनी मर्जी के मुताबिक चला क्यों नहीं पा रहा? सिर्फ डार्क एनर्जॉन डाला होता तो ये सब आपके काबू में होते, लेकिन क्योंकि साथ में सिंथेटिक एनर्जॉन भी था, इसलिए वो जुड़ने में बाधा डाल रहा है। सबको आगाह कर दो और उन्हें कह दो कि म्यूटेटेड ट्रूप से दूर रहे और उन्हें देखते ही खत्म कर दे, और तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये बाद में सोचूंगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपने बनाए दरिंदे को ढूंढो और उसे खत्म करो जल्द से जल्द।
मैं समझता हूँ कि लॉर्ड मेगाट्रॉन ये सब हमें सजा देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम साइलस को कैसे रोकेंगे? वो ये काम अपने उन बीस्ट से क्यों नहीं कराते? वैसे भी वो सबसे बड़ा शिकारी जो है उसमें खतरा है। सोचो अगर प्रेडिकॉन को भी इन्फेक्शन लग गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ब्रेकडाउन? मैंने तो तुम्हें खत्म कर दिया था। दूसरी बार ज्यादा मजा आता है, लेकिन तीसरी बार के लिए मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। साइलस, तुम्हारा ये क्या हाल बना दिया है? खैर वो सब छोड़ो, मुझे आजाद करने के लिए थैंक यू। नहीं, थैंक यू। जो भी हो, इंसेक्टिकॉन्स मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तुम्हारी लॉट आई है। आखिरकार मुसीबत खत्म हो गई? शायद नहीं। अरे नहीं, स्टारस्क्रीम, तुमने उस दरिंदे को खत्म किया या नहीं? दरअसल मेरे हुजूर, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है। मेरे वफादारों, वक्त आ गया है डिसेप्टिकॉन्स को बर्बाद कर दो। जो रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। साउंड वेव। मैं कसम खाती हूं कि आज पूरी दुनिया तुम्हारी चीखें सुनेगी।
कोई भाग ना पाए, उसके लिए जो तुमने इंतजाम करवाए हैं क्या वो सही हैं? और शॉकवेव, हम अपनी आधी फौज को गवा चुके हैं, इसलिए प्रोजेक्ट प्रेडेकॉन की जरूरत और बढ़ गई है। मैं चाहूंगा तुम काम को और तेजी से आगे बढ़ाओ। नॉकआउट, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि शिप का डॉक्टर होने के नाते तुम शॉकवेव को रिपोर्ट करोगे, स्टारस्क्रीम को नहीं। समझ गया मास्टर। एक और बात, तुम अपने सारे प्रोजेक्ट उसके हवाले कर दो जल्द से जल्द, और साथ ही सिंथेटिक एनर्जॉन को भी। जो हुकुम मेरे आका। और अब तुम्हें देखता हूँ। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। नहीं, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा, और वो भी उस जबान में जो तुम्हें समझ में आती है। महारानी, आपके हुक्म का इंतजार है। मेरे पास आओ, रानी की सेवा करो।